दिस वीडियो इज फॉर क्लास 4 ए एंड बी फ्रॉम जीके बुक चैप्टर नंबर 20 पेज नंबर 24 सेव अर्थ जस्ट एंजॉय द वर्ल्ड वी लिव इज नो लॉन्गर एज ब्यूटिफुल एज सेफ एज इट वंस वॉज। हम लोग अर्थ पे रहते हैं और ये जो दुनिया है ये पहले के जैसे अब ब्यूटीफुल नहीं रहा और सेफ भी नहीं रहा। इट इज़ बिकमिंग अ डेंजरस प्लेस और ये अब डेंजरस प्लेस बन चुका है। द एयर वी ब्रीथ इन एंड द वाटर वी ड्रिंक आर स्लोली गेटिंग कंटामिनेटेड। जो पानी हम लोग पीते हैं और जो एयर हम सांस लेते हैं वो गंदा हो चुका है। वी नीड टू बी केयरफुल एंड टेक सम प्रिकॉशंस टू सेव आवर ब्यूटिफुल अर्थ। हम लोग को कुछ केयर करना चाहिए कि हम लोग क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं या जहाँ भी है वहाँ का एयर कैसा है। रिसाइकलिंग इज़ वन वे ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड सेविंग आवर अर्थ। रिसाइकलिंग जो है रिसाइकलिंग करके हम लोग अर्थ को सेफ रख सकते हैं। Recycling means processing of used materials into new products to prevent wastage of useful materials. Recycling का मतलब क्या होता है? जो वेस्ट materials होता है उसको कुछ प्रोसेस के थ्रू हम लोग फिर से यूज़ करते हैं उसको ही बोलते हैं recycling. You can also contribute towards saving the earth by taking the following steps. ये कुछ स्टेप्स है इसके थ्रू हम लोग अर्थ को सेव रख सकते हैं। कैरी अ क्लॉथ नैपकिन इन प्लेस ऑफ अ पेपर नैपकिन। हम लोग को क्लॉथ नैपकिन यूज़ करना चाहिए और पेपर नैपकिन नहीं यूज़ करना चाहिए। नंबर टू, यूज़ रिफिल ड्रिंक इन अ रीयूजबल वाटर बॉटल इन प्लेस ऑफ कैन ड्रिंक। कैन ड्रिंक अवॉइड करना चाहिए और रीफिल ड्रिंक यूज़ करना चाहिए और वो भी रीयूजबल वाटर बॉटल में। नंबर थ्री, यूज़ रिचार्जेबल बैटरीज एंड अ चार्जर इंस्टेड ऑफ डिस्पोजेबल बैटरीज। डिस्पोजेबल बैटरीज को अवॉइड करना चाहिए और रिचार्जेबल बैटरीज यूज़ करना चाहिए जो कि जैसे हम लोग फ़ोन होता है उसका बैटरी बार बार चार्ज करते हैं फिर यूज़ करते हैं वैसे ही बार बार चार्ज करने वाला ही बैटरी वाला फ़ोन यूज़ करना चाहिए। डिस्पोजेबल बैटरी या डिस्पोजेबल बैटरीज ये सब अवॉइड करना चाहिए। नंबर फोर, यूज़ बोथ साइड ऑफ द पेपर। पेपर का दोनों साइड यूज़ करना चाहिए। डू नॉट थ्रो द पेपर इन विच यू मेक अ फ्यू मिस्टेक्स। कुछ पेपर में लिखा वो रॉन्ग हो गया उसके बाद उसको फेंक दिया ऐसा नहीं करना चाहिए। रब द मिस्टेक्स एंड रीराइट। अगर वो मिस्टेक रब करने के लायक है मीन्स पेंसिल से लिखा है तो इरेजर के थ्रू उसको मिटा सकते हैं। तो वैसे ही अगर वो मिस्टेक हम लोग रब करके मिटा सकते हैं तो वैसे ही मिटा के फिर से उसमें लिखना चाहिए ना कि उसको थोड़ा सा मिस्टेक हुआ और उसको फेंक देना चाहिए। नंबर फाइव, रीयूज पेंस स्कूल बैग्स बुक्स शूज़ एंड ओल्ड क्लॉथिंग दैट आर स्टिल इन गुड शेप और डोनेट देम टू अ लोकल चैरिटी। जो भी हम लोग के पास हम लोग के पास पेन है वो हम लोग यूज़ कर चुके हैं, बैग है वो भी हम लोग यूज़ कर चुके हैं, बुक है शूज़ है ओल्ड क्लॉथिंग है, अगर वो अच्छा कंडीशन में अभी भी है तो जिसको उसकी ज़रूरत है उसको दे देना चाहिए। कोई अगर चाहता है तो उसको दे देना चाहिए या कि लोकल चैरिटी जो भी हमारे आसपास जो है किसी को उसकी ज़रूरत है या वो चाहता है तो उसे देना चाहिए ना कि फेंकना चाहिए। नंबर सिक्स, नेवर थ्रो अवे योर ओल्ड बुक्स गिव इट टू योर फ्रेंड और डोनेट इट टू अ लाइब्रेरी। बुक जो ओल्ड हो चुका है जो हम लोग को अब नहीं लगेगा तो हम लोग को किसी को देना चाहिए अगर हमारा फ्रेंड वो बुक लेना चाहता है। कंटिन्यू करते हैं। दिस वीडियो इज़ फॉर 4A and B जी फ्रॉम जी के बुक पेज नंबर 20 सेव अर्थ पॉइंट नंबर 6। नेवर थ्रो
away your old books, give it to your friend or donate it to a library. अगर हम लोग का कोई ओल्ड बुक है जो हम लोग अब नहीं यूज़ करेंगे तो इसे किसी फ्रेंड को अगर वो चाहता है तो उसे देना चाहिए या फिर हमारे एरिया के कुछ लाइब्रेरी में दे देना चाहिए ताकि कोई और इसे रीड करे. री यूज़ थिंग्स दैट आर स्टिल इन गुड शेप एंड सेव आवर एनवायरमेंट वेरी इजीली. जो रीयूज़ जो सामान है उसको हम लोग फिर से यूज़ करते हैं तो ऐसे करने से एनवायरमेंट बहुत जल्दी सेव अच्छा हो जाएगा और सेव रहेगा. फोर आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव द अर्थ. ये चार आर से जो वर्ड है अगर हम लोग इसको फॉलो करें तो अर्थ को सेव किया जा सकता है. ऐसे में अर्थ सेव रहेगा. रिफ्यूज रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल. रिफ्यूज हमें अच्छे काम करते रहना चाहिए अर्थ के लिए जैसे कि पेड़ लगाना और रीयूज चीज़ों को फिर से यूज़ करना. यूज़ चीज़ों को फिर से यूज़ करना. रिड्यूस गंदगी कम फैलाना चाहिए. रीयूज जैसे कि वही सेम किसी यूज थिंग्स को फिर से यूज़ करना. रिसाइकिल दैट मीन्स सेम. रिसाइकिलिंग मीन्स कुछ प्रोसेस करके वेस्ट मटेरियल को फिर से कुछ नया बना के यूज़ करना या उसको साफ करके फिर से यूज़ करना. रिसाइकिलिंग वन टन ऑफ पेपर सेव 17 ट्रीज. वन टन पेपर अगर हम रिसाइकिलिंग करके यूज़ करेंगे मीन्स एक बार यूज़ हो चुका है किसी प्रोसेस के थ्रू फिर से हम लोग उसको यूज़ करेंगे तो ऐसे में 17 ट्रीज़ को सेव किया जा सकता है. वन टन पेपर अगर हम रिसाइकिलिंग करेंगे तो 17 ट्रीज बच सकता है. दिस ट्रीज कैन अब्सॉर्ब अ टोटल ऑफ 250 पाउंड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ एयर. और ये 17 ट्रीज अपने अंदर 250 पाउंड्स कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब कर सकता है. ये थैंक यू.